हे गाइस, वेलकम बैक टू अनु माया स्किन केयर। और मैं हूं अनु। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्किन केयर रूटीन में भी बदलाव लाएं, बिकॉज जो हम समर में स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे थे, विंटर्स में हमको वो नहीं करने हैं। विंटर्स में हमारी स्किन की नीड कुछ और होती है, इसलिए हमको कुछ और स्किन केयर रूटीन फॉलो करने होते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना करंट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैं रात में सोने से पहले अप्लाई करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये स्किन केयर रूटीन है क्या। सो फ्रेंड्स, स्टेप वन में हमने जो मेकअप लगा रखा है उसको रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ बेबी ऑयल का। आप कोई भी बेबी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे बेबी ऑयल ही क्यों, कोई रिमूवर क्यों नहीं? बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ये मुझे अच्छा रिजल्ट देता है, मुझे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता है, और मुझे लगता है तकरीबन 5-6 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी कभी मैं कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करती हूँ, बट अगर मैं कोई रिमूवर इस्तेमाल कर लेती हूँ तो मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। अच्छी तरह फेस पे लगा लीजिए। मैंने बालों को टाई नहीं किया, मैं भूल गई हूं। अच्छी तरह से आंखों पे भी, ताकि आपने जो मस्कारा अप्लाई किया है वो भी अच्छी तरह से छूट जाए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेकअप को निकाल देता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम हल्का मसाज दे देंगे, उसके बाद मैं इसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ कर लूंगी। ये सारा मेकअप निकाल देगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने बीबी क्रीम लगाई है, ये पूरी तरह से निकाल देता है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो ये बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है। जो बचा हुआ थोड़ा बहुत मेकअप रह गया है वो मैं फेस वॉश करूंगी, जिससे वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो मैं होममेड फेस वॉश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लूंगी। इसके जगह सिंपली बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे। मैं अक्सर इसमें दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं ज़्यादा थकी होती हूँ और मेरा किचन में जाने का मन नहीं होता है, तो इसमें कभी कभी मैं पानी ऐड करके भी लगाती हूँ। बस हम इसको अच्छी तरह से फेस पे लगा लेंगे। लगा के तकरीबन 1 मिनट के लिए आप हल्का मसाज दे दीजिए, ताकि जो जमी हुई गंदगी या फिर थोड़ा बहुत मेकअप रह गया होगा वो निकल जाएगा। अब मैं ये पानी से वॉश कर लूँगी। बस हमारा सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट होता है। अब बारी आती है अपनी स्किन को टोन किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए मैं हमेशा रोज वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। याद रखिएगा, आपको प्योर रोज वाटर लेना है। मींस मार्केट में जो बहुत ही इजीली और बहुत कम दाम पे रोज वाटर मिल रहे हैं ना नॉर्मली, तो वो प्योर नहीं है, इसलिए अवॉइड करिए उनको और कोई अच्छा सा रोज वाटर इस्तेमाल करिए। तो मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लूंगी। इसको सूखने तक वेट करेंगे, उसके बाद स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे। टोनिंग को कभी भी स्किप नहीं करना है, वेदर कोई भी हो। एक बार आपको सुबह करना है, एक बार रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना है, या जितनी बार भी आप फेस वॉश करते हो उतनी बार आपको टोनर इस्तेमाल करना है। तो टोनर ड्राई हो चुका है, हमको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। इसके लिए मैं हमेशा ही लगभग हमेशा ही मैं सीटाफिल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। समर्स में मैं इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ, विंटर्स में लोशन का। ये बोलने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला, इतने छोटे से यूट्यूबर को कौन पैसा देगा यार। इसको लगा के हल्का सा लगभग 1 मिनट के लिए मसाज दे दीजिए, आपकी स्किन पूरी रात के लिए पूरी तरह से हाइड्रेट रहेगी। वैसे भी रात में कहते हैं हमारी स्किन बहुत अच्छी तरह से रिपेयर होती है। अगर आपके फेस पे किसी तरह के दाग धब्बे हैं या एक्सेस ड्राइनेस है, तो अगर रात में आप कुछ अप्लाई करके सोते हो तो दिन के कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद अंडर आई क्रीम या जेल इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसकी जगह पे मैं हमेशा आमंड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। जो फाइनल स्टेप है वो है अपने लिप्स को हाइड्रेट करना। ये बीटरूट लिप बाम है, ये मैंने घर पर प्रिपेयर किया है। इसकी जो रेसिपी है मैं वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी।
अगर आप लिप बाम नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास अगर देसी घी है जो नॉर्मली सबके पास होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरी रात के लिए आपके लिप्स को हाइड्रेट रखता है, मीन्स क्रैक्ड लिप्स की या ब्लैक लिप्स की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। तो अगर ये 4-5 स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेट रहेगी, किसी तरह की ड्राइनेस या डार्कनेस नहीं आनी पाएगी। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी स्किन में विंटर्स के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहेगी, ड्राइनेस का अता पता नहीं रहेगा और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी बनेगी। तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, 1 वीक के लिए ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे वेट रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।